मैं सिनेमा में जरूर काम करता हूं, लेकिन वो एक अलग मनोज तिवारी है जो माता का गीत गाता है, जिसको माँ के भजनों में, माँ के चरणों में शांति मिलती है, वो मनोज तिवारी आपके सामने, ये बिल्कुल अलग है। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, पहली पहली बार यहाँ जब आया था, रस्ते बंद थे फिर भी रास्ता पाया था, मेरे मनमोहन चाचा जी ने बुलाया था, और फिर समझ में आया कि वो मेरी मैया का माया था। उसने जिसको बुलाया नहीं वो न आया कभी, बिना उसकी मर्जी के न भजन यहां गाया कोई, ना तो गा सकते हैं ना तो सुन सकते हैं, हम अपने से कितना भी बुन सकते हैं सपने, पर मैया सपने सजाने वाली है, वो जहां भी है बैठी, हमारे दिल में क्या है वो जान जाने वाली है। मेरे मन में बसी है माता, मेरे तन में बसी है माता, मेरे तन में बसी है माता, मेरे तन में बसी है माता, मेरे मन में बसी है माता, मेरे मन में बसी है माता, मेरे तन में बसी है माता। बाबूजी ने पकड़ा दिया और इसके रचयिता बाबूजी इसकी कल्पना करते हैं, उसको ज्यादा रूप दे देते हैं हमारे हरिश्चंद्र भैया, वो बैठे उनके लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मेरे मन में बसी है माता, मेरे मन में बसी है माता, मेरे मन में बसी है,
मैया तो कर कर में है और सारा जग गुण गाता कड़कड़